अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, जिसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर की चटनी जो बहुत ही स्पाइसी सी और मज़े की हम चटनी रेडी करेंगे। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और पानी मेरा तकरीबन गर्म हो गया है। टमाटर अब हम पानी के अंदर डाल देंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हमने इसको कम से कम 5 मिनट बॉयल करना है। 5 मिनट बॉयल करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और टमाटर को हम उतार लेंगे। 5 मिनट बॉयल करने के बाद मैंने टमाटर को निकाल लिया है और टमाटर हमारे इस शक्ल में आ चुके हैं। ये देखें, छिलके खुद ब खुद ही अलग हो रहे हैं। हमें अब इनके छिलके हमने उतार लेने हैं। जो सख्त पार्ट है उसका हम बीच में से निकाल लेंगे। टमाटर का मैंने सारा छिलका उतार दिया है, सब टमाटर का। अब हमने क्या करना है, हमने इनको ऐसे मोटा मोटा सा काट लेना है। मोटा मोटा काटने के बाद इसको हम जग में डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। चटनी बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया और इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे। आधे टीस्पून से भी कम ज़ीरा है। इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है, जैसे ही इसके कड़कड़ाएगा तो उसके अंदर हम फिर डाल देंगे प्याज। हमने जो छोटी सी प्याज दी इसको बारीक बारीक चॉप किया, ये हम इसके अंदर डालेंगे। एक से दो मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। एक मिनट ब्राउन कर लिया, अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही हेवी चटपटी और मज़ेदार हम चटनी तैयार करने जा रहे हैं, जिसको आप महीना 1.5 महीने के लिए सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में, तो ये ख़राब नहीं होगी। इसको इतना भूनेंगे कि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। एक मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हमें हरी मिर्च की, आप हमने दर तरह से कूट के रखा, हम ये इसके अंदर डाल देंगे। हमने अच्छे से इसको भूनना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। इसको हमने पका लिया है, इसमें खुश्क मसाले डालने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। आधा टीस्पून से भी कम इसके अंदर हम नमक डालेंगे, हसबे जरूरत आप डाल लें। 1 टीस्पून हम खुश्क धनिया डालेंगे इसके अंदर बारीक पिसा हुआ। आधा टीस्पून से भी कम इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे। मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। इसको हमने भून लिया, ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम टमाटो पेस्ट डाल देंगे। ये हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको दरदरा सा रखना है हमने। इस पेस्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे। तीन से चार मिनट हमने इसे पकाना है ढक के। इसके ऊपर हम कवर रख देंगे, जिसके अंदर पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। 3 से 4 मिनट से ढक के पकते हुए हो गए हैं, अब ढक्कन हम उतार लेंगे। इसके अंदर अभी पानी है, इस पानी को हमने बिल्कुल खुश्क करना है। इस मौके पर हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का मज़ीद डालेंगे इसके अंदर।
अगर डाल दिया आपको इसे सेव करना है तो इसके लिए फिर इसके अंदर आप सफ़ेद सिरके के 2 चम्मच डाल लेंगे, जिससे ये महीना डेढ़ महीना आराम से निकल जाए। ख़राब नहीं होगा, आप इसे आराम से खा सकते हैं। इसका हमने पानी बिल्कुल खुश्क करना है। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दो से 3 मिनट मज़ीद मैंने इसे पकाया था। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया, अब बिल्कुल रेडी है। ये खाने के लिए हमने यूनिक सी और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चटनी। व्यूअर्स, हमारी हॉट एंड स्पाइसी टमाटर की चटनी रेडी है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, मुझे अप्रिशिएट करें और मुझे अपना फीडबैक दें। शुक्रिया।